पुण्यार्जक है प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। वैसे ही मछली के मन में भी वो दृढ़ संकल्प हो चुका है। अब आगे और बढ़ती है, प्रसंग आगे बढ़ता है, अब प्रासंगिक कार्य आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रसंग। अंग अंग संस्कारित थे सो संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। किनका अंग अंग संस्कारित था? उनका, जिनके लिए संयम की शिक्षा संस्कार शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। वे दोनों हाथ शिल्पी के। वे कौन? दोनों हाथ शिल्पी, जो संयम से संस्कारित हैं, शिक्षित हैं। ऐसा नहीं यदवा चतवा हो, हाथ मिले तो कुछ भी काम करो, क्या करें? और फुर्सत बैठे हैं तो कछु नहीं है तो खोदन लगे, काटन पीटन लगे, अब क्या करें? ये हाथों को, ये संयमी के हाथ नहीं है। असंयमी क्या करता है? बैठा है, कहीं पत्थर तोड़ने लगेगा, कहीं मिट्टी खोदने लगेगा, नहीं है तो बैठा है बगीचा में, बैठा तो झाड़ी आदि तोड़ने लगेगा। ये असंयमी का काम है। यहां उस शिल्पी के का संयम की शिक्षा का संस्कार प्राप्त था जिन्हें। वे दोनों हाथ शिल्पी के, न हाथों को संयम के संस्कार से संस्कारित हैं, ऐसे शिल्पी के दोनों हाथ। और संयम हो उठे, संयत हो उठे तुरंत, तभी वह तुरंत तभी वह शिल्पी रस्सी से बंधी बाल्टी को धीमी गति से, कौन सी गति से? तीव्र गति से नहीं, अब कुएं में डाल रहा है, अभी पानी खींचा नहीं है, पानी में कुएं में डाल रहा है। कैसी गति से डाल रहा है? धीमी गति से नीचे उतरता है, उतारता है कूप में, धीरे धीरे उतार रहा है कूप में, जिससे कि मछली आदिक नाना जलचर जीवों का घात होना टल सके, किसी को कोई आघात ना हो। ऐसे ही हमें बाल्टी बड़े अच्छे आराम से पानी में उतारना चाहिए, धीरे से जाकर के पानी में बाल्टी को उतार देना चाहिए। ऐसे पानी खींचते समय एक प्रक्रिया को, पहला विधि आपको बताई जा रही है कि आप उस पानी में बाल्टी कभी पटके ना। अगर हम पानी में ऊपर से पटक देते हैं, आज एक और थोड़ी सी आप लोगों को कई जगह हमें देखते हैं, अब बाल्टी नहीं बची तो क्या करते हैं, गगरियाई में रस्सी बांधी मुंह में और सीधी बोई डाल देते, और वो जब जाती है ऊपर ही से छोड़ देते सीधा छपा सीधी, जाकर के पानी में वो भड़ास एक आवाज आती है नहीं, हाँ, और फिर पेंदी नहीं रहती, और बाल्टी में एक अलग है उसका मोचोड़ा होता है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, बाल्टी की कौन सी कल्पना की? भवर कड़ी, ऊपर चौड़ी नीचे, और गगरिया कैसी होती है? ऊपर सक्रिय है नीचे, तो उसमें जल्दी डूबने की आशा, तो फिर इधर पलटेगा, उधर पलटेगा, थोड़ा सा पानी आएगा फिर पलटेगा, एक छलांग दो छलांग ऐसी कबड्डी सी खिलाता रहता वही में। उसमें क्या होता है, कितना मंथन होगा, कितना पानी में क्या होता है, उस जीवों की सबसे बड़ी प्रार्थना तो उसी में हो जाती है। और वो बाल्टी अगर जाएगी तो एक बार अगर थोड़ी सी लेट जाए, धीरे धीरे आप उसको भरना दो, जल्दी जल्दी नहीं करो, और जैसे जैसे भरती जाएगी वैसे वैसे वो
डूबती जाती है। धीरज से काम लीजिए आप, और जो धीरज होता है वही संयमी होता है, संस्कारित है, क्योंकि दोनों हाथ कैसे संयम से संस्कारित हैं, किसके, शिल्पी के, और वो ले जा रहा है। जब उसने उतारा घाट, घात होना टल सके और अपने आत्म तत्व को यहां और वहां, अब और तब, देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अपने आत्म तत्व को यहां और वहां, यहां कर्थ इस लोक में और वहां कर्थ परलोक में, अब और तब, यानी अभी और आगे जाकर के वहां तब, कर्म कर्म फल, कर्म और कर्म फल, सो ना छल सके, सो ना छल सके, आप उसके साथ छल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा तुम्हारा अभी वर्तमान का कर्म का फल है, तुम कहो कि उसमें कोई छल करें तो आपके साथ कर्म कभी छल नहीं करते, तुम तो कर सकते हो पर कर्म कभी छल, सबसे बड़ा न्यायविद अगर दुनिया में कोई चीज है और सबसे बड़ा न्यायालय अगर कोई है तो कर्म की अदालत में कभी झूठ बात चलती ही नहीं, वहां छल कपट कोई चलता नहीं, कर्म की अदालत में कोई रिश्वत चलती नहीं, कोई वकील की जरूरत है ही नहीं, कोई न्यायविद की जरूरत भी, आप ही वकील हो, आप ही न्यायाधीश हो, आप ही अपने कर्मों के भोक्ता हो, कोई सजा अगर आपको मिलेगी तो आपके ही कर्म से मिलेगी, आपके ही द्वारा होगी, कोई दूसरे के द्वारा मिलने वाली नहीं है। सो वहां देखो, कर्म और कर्म फल, सो ना छल सके, यहां कोई छल कपट, कर्म की अदालतें कैसी अदालत है, दुनिया की अदालतें झूठे हो सकती हैं पर कर्म की अदालत कभी झूठी नहीं होती, यहां तो जो जैसा किया है वैसा ही मिलने वाला है, यहां कोई झूठ, कोई सिफारिश, कोई वकील, कोई रिश्वत, कोई बड़े लोगों का कोई काम नहीं होता, इसलिए वही कहा जा रहा है कि अपने आपके सोना छल सके, ऐसा बहुत विशेष बात है, अपने आत्म तत्व को यहां वहां अब और तब, कर्म कर्म फल, सोना छल सके, उसको कभी बुरा, जिसके जीवन में कोई दूसरे का बुरा करने की नहीं सोचता उसका कभी बुरा तीन काल में संभव होने वाला नहीं, जो किसी दूसरे का अच्छा नहीं सोचता उसका अच्छा हो जाएगा, कभी अच्छा होने वाला नहीं है। महाराज हम देखते हैं जो आदमी दुनिया के तो काम करते है, इतने पाप के काम करते, चोरी चपाटी करते है, फिर भी इसके नाम क्या हो रहा है, देखो इसको तो आज सब कुछ देख रहे हैं कि बुरा कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना, अन्याय नीति से पैसा कमा रहा है, फिर भी इसका नाम दिनों दिन बढ़ रहा है। बंधु ये ध्यान रखना, पुराना जो पुण्य सत्ता में पड़ा है भी आ रहा है, और जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार है तुझको जब तक माफ है ओगुन करो हजार, यही सिद्धांत को अपन ध्यान कि अभी पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए आज तो तू तो जो कुछ कर रहा है सब छुप रहा है, पर लोग जो सामने वाला देख रहा है वो तो देख रहा है, हमें तो लगता नहीं धर्म से कछु होता है, देखो तो पापी लोगों को कितना पैसा पड़ रहा हो, और जब पाप का घड़ा फंसता है तो बंधु पता नहीं चलता,
वो पैसा कहाँ चला गया, करोड़पति कब रोडपति बन जाए कोई भरोसा? इसलिए ज्यादा हवाइयों के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा सोचो मत, अपने कर्म और अपने कर्म फल पर जिन्हें भरोसा होता है वो कभी दूसरों को छलने की कोशिश ना छला जाता है और ना छलता है। और हो सकता है सामने वाला उसको छल कपट कर से छल जा सकता है, पर उसको ये सोचना चाहिए हो सकता है उसने मुझे छल लिया है, मुझे ठग लिया है, कोई बात नहीं, आज मैं ठगाया गया, कल दिन वो भी आएगा कि बेटा मुझसे ही बड़ा कोई दूसरा ठग आएगा जो तुझे ठगेगा, आज मुझे तुझने किया है, कोई बात नहीं, ठीक है मेरा कर्म का होता है, क्या लेके जाओगे मुझे आत्मा को, तो कोई दूसरा लेने वाला हो सकता है, थोड़ी बहुत तो धन संपत्ति लेके जाओगे, बाकी आप इससे बड़ी और कोई चीज मेरी लेकर के आत्मा को कोई नहीं ले जा सकता। और वही बात यहां, तो लो छल सके ना छल सके, लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, लो हाथों हाथ संकल्प फलीभूत होता सा, स्वप्न को साकार देखने की आस भरी, मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं, क्योंकि बाल्टी धीरे धीरे कहां जा रही है, कुएं में जा रही है। और उधर उधर क्या हुआ, लो उसने जो संकल्प लिया है कि अब तो मुझे कहां जाना है, ऊपर जाना है, तो लो संकल्प फलीभूत होता सा, किसका संकल्प फलीभूत होता सा, मछली का, स्वप्न साकार हो देखने की आस भरी, मछली की शांत आंखें ऊपर देखती हैं, ऊपर देखती हैं, क्या देखती हैं, तो क्या दिखाई दे, उतरता हुआ यान सा दिखा, बाल्टी को किसकी कल्पना की जा रही है, जैसे कोई यान उतर रहा हो, यान सा दिखा, लिखा हुआ था उस पर, क्या लिखा हुआ था उस बाल्टी के ऊपर, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ था उस पर धम्मो दया विसिद्धो, धर्म ही वह है जो दया से विशुद्ध है, जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं, धर्म जहां है वहां दया निश्चित है, ऐसा संदेश उस पर लिखा है, किस पर, उस बाल्टी के, यानी सोच लो आपकी जो बाल्टी छानने वाली जो बाल्टी है वो दया धर्म का प्रतीक है, छोटी मोटी चीज मत सोचिए, पानी को खींचते समय आपके अंदर दया विशुद्धो धम्मो का सूत्र चरितार्थ हो रहा है, एक पानी में छानने में आपका दया धर्म का पालन हो रहा है, इसलिए पानी छानने की प्रक्रिया को छोटा मत समझिए, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है आपकी। वही बात यहां आचार्य लिख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है धम्मो दया विशुद्धो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या लिखा है, तथा धम्मम शरणम गच्छामि, जो ऐसा धर्म है जो दया से विशुद्ध है, ऐसे धर्म की मैं शरण में जाता हूं, मेरा वही धर्म हो जहां दया हो करुणा हो प्रेम हो, ऐसे धर्म की शरण में जाता हूं, धम्मम शरणम गच्छामि, ज्यो ज्यो कूप में उतरती गई बाल्टी त्यों त्यों नीचे नीर की गहराई में झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षा हेतु मंडूक आदि अनगिन जल्दी जंतु, यानी कई और बहुत सारे हैं, मछलियां हैं छोटी छोटी हैं, और भी जीव हैं, छोटे छोटे मंडूक हैं, मेंढक आदि हैं, जैसे ही बाल्टी वहां पहुंचे सब भाग जाते हैं,
कोई अंदर चला जाता है डर के कारण, पता नहीं क्या हो जाए। मंडूक आदि सभी जली जंतु सबके सब अपनी नीर की गहराई में झटपट चले जाते हैं प्राण रक्षा, क्योंकि उनने वो अपना जीवन वही बना के रखा है। किंतु हलन चलन क्रिया मुक्त हो अनिमेष आपलक निहारती उतरती बाल्टी को रसनाधीन रस लोलुपी लोलुपा लोलुपी नहीं रसना लोलुपा सारी मछलियां वे भोजन इसे कुछ तो मिलेगा इस आस से। कुछ ऐसी है कि हो सकता है इससे कुछ भोजन मिलेगा। रसना लोलुपा रसनाधीन जो रसना के अधीन है, रस लोलुपा जो रस से लोलुपी है लालची है इस भाव से लेकर के, सारी मछलियां हैं वे भोजन इससे कुछ तो मिलेगा इस आस से, पर यह क्या वंचना थाली बाल्टी देखकर इसमें तो कुछ है ही नहीं है खाली है। उसे नूतन जाल बंधन समझ सब मछलियां भागती भीती से डर के कारण से भागती हैं, मात्र संकल्पिता वह मछली वहीं खड़ी है। जिसने संकल्प लिया कि मुझे तो कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, वह मात्र संकल्पिता वह मछली वहां खड़ी है। साथ एक ही सखी है उसकी, अकेली नहीं है, एक उसके साथ एक सखी भी है। और उस सखी को कुछ कहती है वह, चल री चल, उस सखी से कहती है चल री चल, इसकी शरण में शरण ले हम, किसकी शरण ले हम, धम्मो दया विशुद्धो, इसकी शरण ले हम धम्मो दया शुद्धो, यही माँ यही एकमात्र असरणों की शरण। महाआयतन है यह, छोटा मोटा घर नहीं, ये आयतन नहीं, ये तो क्या है, महाआयतन है। जिसने ऐसे शरणों असरणों की भी शरण है ऐसे महाआयतन है यह, यही हमारा जतन है। वरना निश्चित ही आज या कल काल के काल में गल्ब कवलित होंगे हम। ऐसी हो मछली अपनी सखी को संबोधित करती है और संबोधित करने के बाद कहती है आगे और क्या होगा, आगे की बात समझेंगे अपन आगे। आज बस इतना ही, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश।